शनिदेव ने बताया कि किन लोगों को मैं कंगाल कर देता हूं और किन लोगों को धनवान। दर्शक बंधुओं, आज की कहानी बड़ी ही महत्वपूर्ण और रोचक है, आप इस वीडियो को पूरा जरूर सुनना। कहते हैं स्वर्ग लोक में एक बार माता लक्ष्मी और शनिदेव में बहस छिड़ गई। लक्ष्मी जी बोली, मैं बड़ी हूं, और शनिदेव बोले, मैं श्रेष्ठ हूं। दोनों के बीच जब निर्णय नहीं हो पाया कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है, तो उन्होंने धरती लोक पर किसी ईमानदार राजा से अपना फैसला कराने का निश्चय किया। उन दिनों धरती पर प्रयागराज में एक श्रीवत्स नाम के राजा रहते थे। वे अपने न्याय के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। शनिदेव और माता लक्ष्मी राजा श्रीवत्स के पास गए और झगड़े की वजह बताई कि हम दोनों में यह सिद्ध नहीं हो पा रहा है कि श्रेष्ठ कौन है, कृपया आप ही हमारा निर्णय कर दें। शनिदेव और माता लक्ष्मी की बात सुनकर राजा श्रीवत्स बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गए कि दोनों में से किसको बड़ा कहा जाए। यदि शनिदेव को बड़ा बता दिया तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाएंगी, और लक्ष्मी रूठ गई तो हमारे राज्य की सारी धन वैभव संपदा नष्ट हो जाएगी। यदि शनिदेव को रुष्ट कर दिया तो शनिदेव अपने कोप से नष्ट भ्रष्ट कर डालेंगे। राजा साहब जब किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे तो शनिदेव और लक्ष्मी जी उन्हें एक माह का समय देकर चले गए और कहा कि हम एक माह बाद आएंगे, तब तक तुम खूब सोच विचार लो। दर्शक बंधुओं, उनके जाने के बाद राजा की रातों की नींद हराम हो गई। वे हर क्षण इसी बात को लेकर सोचकर चिंतित रहने लगे कि एक माह के बाद जब शनिदेव और माता लक्ष्मी आएंगे तो वो किसे श्रेष्ठ बताएंगे, क्या निर्णय देंगे। उनके सामने परिस्थिति बहुत ही विकट थी। वे जानते थे कि एक को बड़ा बताएंगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा और उन पर, उनके राज्य पर बहुत बड़ा संकट आ सकता है। राजा की चित्रांगना नाम की एक पतिव्रता रानी थी। पति को अत्यंत चिंता में देखकर रानी ने पूछा, महाराज आप किस बात को लेकर परेशान हो, कृपया अपना दुख हमसे कहिए। राजा ने अपनी पत्नी को सारा हाल कह सुनाया। रानी ने राजा को एक सुझाव दिया कि देखो, तुम अपने मुख से किसी को बड़ा या छोटा मत बताओ, अपनी अपनी जगह दोनों ही श्रेष्ठ हैं, उनके बड़े छोटे का फैसला आप उन्हीं पर छोड़ दो। आप एक काम करो, एक सोने का और एक चांदी का सिंहासन बनवाओ, दोनों का आसन अपने सिंहासन के दाईं और बाईं ओर रखवा दो। सोने का सिंहासन आप अपने सिंहासन से दाईं ओर लगवाना और चांदी का सिंहासन बाईं ओर। एक माह बाद जब शनिदेव और माता लक्ष्मी आएंगे तो लक्ष्मी जी आपके दाईं ओर का आसन ग्रहण करेंगी, क्योंकि वे माता स्वरूप हैं, और शनिदेव आपके बाईं ओर वाले आसन पर बैठ जाएंगे। जब वे पूछे तो आप उनको किसी भी प्रश्न का उत्तर मत देना, जब वे बहुत पूछे तो उनसे कह देना कि आप लोगों ने अपनी श्रेष्ठता का फैसला स्वयं ही कर लिया, मैं क्या जवाब दूं। रानी चित्रांगना की बात राजा को सही जची। दर्शक बंधुओं, इधर एक महीने के बाद जब लक्ष्मी जी और शनिदेव राजा के दरबार में पधारे तो वही हुआ जैसा रानी ने बताया था। माता लक्ष्मी तो सोने के सिंहासन पर विराजमान हो गई और शनिदेव चांदी के सिंहासन पर। जब उन्होंने अपने श्रेष्ठ होने को लेकर राजा से निर्णय मांगा तो राजा ने कहा कि तुम दोनों ने स्वयं ही अपने बड़े छोटे होने का फैसला कर लिया है, इसमें मैं क्या कह सकता हूं। दर्शक बंधु, यह सुनकर भगवान शनिदेव खिन्न होकर चले गए। माता लक्ष्मी ने राजा से कहा कि पुत्र, शनिदेव तुमसे रुष्ट हो गए हैं और उनके कोप के कारण तुम पर बहुत बड़ा संकट आ सकता है, परंतु तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। शनिदेव ने राजा पर ऐसा कोप बरसाया कि उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। लोग भूखों मरने लगे, नर नारी जीव जंतु सब उनके राज्य को छोड़कर दूसरे राज्यों में चले गए। राजा से अपने राज्य की ऐसी दशा नहीं देखी गई। एक वर्ष के बाद उन्होंने अपने राज्य को छोड़ने का फैसला किया। अब वे अपनी पत्नी चित्रांगना को साथ लेकर घर से निकल पड़े। एक पोटली में उन्होंने हीरे जवाहरात कुछ जेवर आभूषण बांध लिए। सोचा, जहां रहेंगे वहां विपत्ति में ये बहुत काम आएंगे, इन्हें बेचकर हम अपना गुजारा कर लेंगे। राजा रानी घर से निकले ही थे कि उसी समय भयंकर आंधी तूफान आ गया, चारों तरफ अंधकार छा गया। वे उस अंधेरे के कारण रास्ता भटक गई, समझ में नहीं आ रहा था कि कहां जाएं। तभी माता लक्ष्मी एक छोटी सी कन्या का रूप धरकर आती है और लालटेन की सहायता से उन्हें एक नदी के किनारे पहुंचा देती है।
नदी पर छोड़कर माता लक्ष्मी वहां से चली गई। अब उनके आगे समस्या यह थी कि नदी को पार कैसे किया जाए। भी ये सोच ही रहे थे कि उसी समय शनिदेव एक नाविक का रूप बनाकर नाव लेकर उसी किनारे पर जा पहुंचे जहां राजा रानी खड़े थे। राजा ने नाविक से नदी के उस पार जाने का आग्रह किया। नाविक ने कहा कि देखो भाई, हम तुम्हें उस पार पहुंचा तो देंगे, परंतु हमारी नाव बहुत कमजोर है, इसमें एक बार में एक ही सवारी बैठ सकती है। राजा ने कहा चलो एक एक करके ही उतार दो। अब पहले तो नाविक रानी को उस पार पहुंचा आया, फिर राजा को ले गया। तीसरी बार में उस नाविक ने राजा की धन की पोटली रख ली, लेकिन वो नाविक तो स्वयं शनिदेव थे, इसलिए वो धन की पोटली लेकर नदी के बीचों बीच से गायब हो गए। अब तो उनके पास जो धन था वो भी नहीं रहा, भोजन का संकट खड़ा हो गया। राजा बड़ा ही धीरवान था, भगवान की इच्छा समझकर वो वहां से आगे को चल दिया। चलते चलते वो एक गांव में पहुंचा। उस गांव के लोग जंगल से लकड़ी काटकर उन्हें बेचते थे। राजा भी अपनी रानी के साथ उसी गांव में रहने लगा और लकड़ी बेचकर अपना गुजारा करने लगा। लक्ष्मी जी की कृपा से उसे जंगल में चंदन का बाग मिल गया। राजा ने चंदन की लकड़ियों को बेच बेच कर काफी पैसा कमा लिया। अब तो उसका जीवन बड़े सुखपूर्वक बीतने लगा। राजा और रानी को सुख चैन में देखकर शनिदेव ने एक और नई चाल चल दी। एक सौदागर था जो उस गांव से चंदन की लकड़ी भरकर दूसरे राज्यों में ले जाया करता था। आज उसका जहाज उस नदी के किनारे पर ही फंस गया था। उसने जहाज को चलाने का बहुत प्रयास किया, पर जहाज टस से मस नहीं हुआ। सौदागर के समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी शनिदेव एक ब्राह्मण का रूप बनाकर उस सौदागर के पास आए और बोले, सौदागर तेरा जहाज तो चल जाएगा, यदि कोई पतिव्रता स्त्री तेरे जहाज में हाथ लगा दे तो। सौदागर ने वैसा ही किया, पूरे गांव की स्त्रियों को बुलाया, सबने जहाज को छुआ पर जहाज फिर भी नहीं चला। किसी ने बताया कि गांव में अभी एक स्त्री बाकी रह गई है जो यहां नहीं आई है। सौदागर स्वयं चलकर उसके घर गया। वो स्त्री कोई और नहीं, रानी चित्रांगना थी। सौदागर ने जब रानी के पास निमंत्रण भेजा तो रानी ने वहां जाने से इनकार कर दिया और कहा कि इस समय मेरे पति जंगल में लकड़ी काटने गए हैं, मैं तुम्हारे जहाज के पास नहीं जा सकती। सौदागर के आदमी ने वापस जाकर उसकी सारी बात बता दी। सौदागर समझ गया कि यही औरत पतिव्रता है और यही उसके जहाज को निकाल सकती है। वो शाम को फिर उसके घर गया। उस समय श्रीवत्स घर पर ही थे और इसीलिए उसने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जब राजा और रानी से कहा कि वो जहाज छू दे जिससे कि वो निकल सके, तो रानी ने अपने पति के कहने पर जहाज को छू दिया और जहाज हिलने लगा। यह देखकर सौदागर के मन में पाप जागा कि क्यों ना मैं इसको अपने साथ ले चलूं, यह स्त्री बहुत सुंदर भी है और यदि कहीं जहाज फिर से फंस गया तो इससे छूकर उसे निकलवा लूंगा। यह सोचते ही उसने चित्रांगना को अपने साथ जहाज में खींच लिया और जहाज लेकर चल दिया। श्रीवत्स चिल्लाता रह गया, परंतु उस समय तक जहाज काफी दूर जा चुका था। रानी अत्यंत रूपवती थी, उसको देखकर सौदागर के मन में पाप आ गया। वो उसको अपनी पत्नी बनाने की इच्छा करने लगा। रानी ने सौदागर की छेड़छाड़ से तंग आकर सूर्य देवता से प्रार्थना की कि उसको अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए कोर दे दे। उसकी प्रार्थना भगवान सूर्य ने सुन ली। उसी समय रानी के शरीर से कोर फूट गया, वो एकदम से कुरूप रूप वाली हो गई। उसके कुरूप शरीर को देखकर सौदागर उसके पास नहीं जाता था, पर वो हमेशा अपने साथ रखता था। इधर राजा रोते बिलखते नदी किनारे से चल पड़े। वो इसी उम्मीद में थे कि यदि जहाज उस तरफ से गुजरा तो वो अपनी पत्नी को छुड़ा लेंगे। आखिर उसको जहाज का कहीं पता नहीं चला तो वो नदी किनारे आश्रम के साधुओं के साथ रहने लगी। अब तो राजा वहां पर साधुओं की सेवा करता था, उनकी गायों को चराता था और गायों के गोबर से उपले बनाता था। वो उपले लक्ष्मी जी की कृपा से सोने के बन जाते थे। इस प्रकार कुछ ही दिनों में उसके पास ढेर सारी सोने की ईंटें हो गई। एक दिन वही सौदागर जो राजा की पत्नी को ले गया था, उसका जहाज उसी नदी पर आया।
राजा ने सौदागर को पहचान लिया। उसने सौदागर को ईंटें दिखाकर कहा कि यदि सौदागर उसको साथ ले चले तो वे सोने की ईंटें सौदागर को दे देगा। सौदागर ने राजा को पहचान तो लिया था, परंतु सोने की ईंटों के लालच में उसे अपने पास बैठा लिया। ईंटों को भी जहाज में भरवा लिया। जब जहाज चल पड़ा तो सौदागर ने राजा को नदी में फेंकवा दिया। राजा की चीख पुकार राजा की रानी ने सुन ली और उसने तुरंत एक तकिया जल में फेंक दिया। उस तकिये के सहारे से राजा एक पुल पर पहुंच गया, जहां आते जाते जहाजों से चुंगी ली जाती थी। राजा को वहां के लोगों ने निकाल लिया। उन लोगों ने राजा से पूछा कि वो कौन है और कहां से आया है, तो राजा ने कहा कि वो एक अत्यंत दुखी आदमी है, उसका सब कुछ लुट गया है, उसके पास कुछ नहीं बचा है। वहां के लोग उसको पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने राजा से नौकरी मांगी। राजा ने श्रीवत्स को अपने यहां बगीचे में माली का काम दे दिया। दर्शक बंधु, राजा की एक पुत्री थी, उसके लिए नित्य फूलों का सुंदर गजरा एक मालिन लाती थी। एक दिन राजकुमारी ने मालिन से पूछा कि आजकल गजरे कौन बनाता है, बहुत सुंदर गजरे बनाता है। मालिन ने राजकुमारी को बताया कि एक नौकर नया आया है जो बड़े ही सुंदर गजरे बनाता है। राजकुमारी ने उस नौकर को देखने की इच्छा जताई। जब उसने राजा को देखा तो वो उस पर मोहित हो गई और राजा से ही विवाह करने की जिद ठान ली। राजा ने बहुत मना किया, परंतु जब राजकुमारी नहीं मानी तो उन्होंने लाचार होकर दोनों का विवाह कर दिया और जंगल में एक मकान दे दिया। धीरे धीरे एक समय बीतता चला गया। कुछ दिन बीते तो राजा श्रीवत्स ने राजकुमारी से कहा कि ऐसे बेकार बैठे रहकर मेरा मन नहीं लगता है, तुम अपने पिता से कहो कि मेरे को जहाजों की चुंगी का ठेका दे दे। राजकुमारी ने अपने पिता से यह प्रस्ताव रखा तो राजा ने भी कहा ठीक है। अब तो श्रीवत्स अपने आने वाले जहाजों से चुंगी लेता था। इसी प्रकार जब 7 वर्ष बीत गए, शनि देव का प्रभाव खत्म होने को आया। एक दिन सौदागर का जहाज वहीं से निकला तो श्रीवत्स ने उस जहाज को रोककर और उसे आगे जाने से रोक दिया। सौदागर को यह देखकर बड़ा क्रोध आया। वो तुरंत शिकायत लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा ने जब श्रीवत्स से पूछा कि वो सौदागर के जहाज को क्यों नहीं जाने दे रहा है, तो श्रीवत्स ने बताया कि महाराज, इस सौदागर के पास मेरी सोने की ईंटें हैं, ये मेरी सोने की ईंटें नहीं दे रहा है। राजा ने कहा, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि इसके पास जो ईंटें हैं वो आपकी हैं? तो श्रीवत्स ने कहा, महाराज, आप इसे दरबार में सब लोगों के सामने बुलाइए, वे ईंटें एक तरफ से जुड़ी हुई है, यदि सौदागर ईंटें खोल देता है तो ये सारी ईंटें उसकी हैं, यदि वो ईंट नहीं खोल पाता है तो उन ईंटों को मैं खोलकर दिखाऊंगा। वो ईंटों को दरबार में लाया और सौदागर से कहा गया कि यदि तुम्हारी ये सोने की ईंटें हैं तो तुम खोल दो, और यदि तुम नहीं खोल पाते हो तो वो ईंटें तुमसे ले ली जाएंगी। दर्शक बंधु, सौदागर शाम तक उन ईंटों को खोलने का प्रयास करता रहा, परंतु उससे एक भी ईंट नहीं खुली। अंत में जब शाम हो गई तो राजा के दामाद श्रीवत्स की बारी आई और उन्होंने चंद छड़ों में ही उन ईंटों को खोल दिया। तब राजा ने पूछा कि वो कौन है, तो श्रीवत्स ने पूरी कहानी बताई कि महाराज, मैं और मेरी पत्नी चित्रांगना को इस सौदागर ने छीन लिया है, कृपया मुझे मेरी रानी दिलवा दीजिए। दर्शक बंधु, राजा ने सौदागर से कहकर तुरंत चित्रांगना को पालकी में भुलवाया और सौदागर को पकड़कर कड़ी सजा दी। चित्रांगना ने पुनः सूर्य भगवान से प्रार्थना की कि वो मेरे रूप को फिर से पहले वाला लौटा दे। दर्शक बंधु, भगवान सूर्य देवता की कृपा से रानी फिर से सुंदर हो गई। राजा ने आदर पूर्वक श्रीवत्स को खूब सारा धन देकर विदा कर दिया। साथ में अपनी बेटी को और चित्रांगना को भी उसने अपनी बेटी मान लिया और खूब धन दौलत देकर राजा को प्रेम पूर्वक विदा कर दिया। राजा पुनः अपने राज्य में लौट आया और फिर से राज सिंहासन पर सवार हुआ। एक दिन शनिदेव ने प्रकट होकर के राजा श्रीवत्स से कहा, राजन,
हम दोनों की स्पर्धा तो एक बहाना था, हम आपके सत्य की परीक्षा ले रही थी। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि कौन से लोग नाश को प्राप्त नहीं होते। नंबर एक, विपत्ति में भी जो अपने धर्म को और सत्य को ना त्यागे उसका कभी नाश नहीं होता, अपितु देवता लोग भी उसकी सहायता करते हैं। नंबर दो, गरीबी आने पर भी जो अन्याय का मार्ग ना चुने, पाप का धन ना खाए, वो देवताओं का सदा कृपा पात्र रहता है। मैं उसका कभी बुरा नहीं करता, अपितु उस पर लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। नंबर तीन, धन संपदा पाकर भी जो अभिमान ना करे, वृद्ध और गुरुजनों का, दीनहीनों का जो अपमान नहीं करता है, मैं कभी उसका बुरा नहीं करता, अपितु उसकी सहायता ही करता हूं। मेरी कृपा से लोग पल मात्र में धनवान बन जाते हैं और क्षण मात्र में कंगाल। राजन, जाओ, मेरे वरदान से तुम्हारा राज फिर से संपन्न हो जाएगा। धन दौलत से, धन धान से संपन्न हो जाएगा, तुम्हारी प्रजा खुशहाल हो जाएगी और कभी दुख दरिद्रता तुम पर नहीं आएगी। राजा को वरदान देकर शनिदेव और माता लक्ष्मी वहां से चले गई। दर्शक बंधु, ये कहानी कैसी लगी? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।